दुनिया में पठान ने मचाई तबाही, 3 दिन में 3 अरब की कर ली कमाई। शाहरुख ने रचा इतिहास, पूरी दुनिया ने किया पठान को सलाम। उर्फी ने जब देखा पठान तो सिर्फ नजर आने लगा शाहरुख खान, बीवी बनाने के लिए शाहरुख को किया प्रपोज। बॉलीवुड में गूंजा पठान का धूम, बादशाह ने रचा इतिहास, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। शाहरुख खान की फिल्म पठान पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस कोई समंदर है जहां शाहरुख ने अपने एक्शन और थ्रिलर से सुनामी ला दी हो। दीपिका ने भी बॉलीवुड का पारा चढ़ा दिया है, वहीं जॉन इब्राहिम के फैंस के भी होश उड़े हुए नजर आ रहे हैं। पठान रोज कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बना रही है। अगर फिल्म के 3रे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि पठान अब रुकने वाला नहीं है, तभी तो सोशल मीडिया पर इसके बायकॉट को लेकर चले अभियान के बावजूद पठान ने महज 3 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शाहरुख खान की 4 साल बाद सिनेमा घरों में वापसी फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है, जिसका साफ असर पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिल रहा है। किंग खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म ने इस समय भारत के साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रखी है। पठान बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धुआंधार कमाई करते हुए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जहां पठान ने 3 दिन में भारत में 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वहीं दुनिया भर में फिल्म ने महज 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर शुरुआत की थी। भारत में फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। इसके साथ ही विदेश में भी पठान तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसकी बदौलत 3 दिन में फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने में सफल रही है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया भर से सामने आई फिल्मों के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़ों की रिपोर्ट कह रही है, जहां पूरे विश्व के बॉक्स ऑफिस पर पठान ने 3रे दिन 300 करोड़ का आंकड़ा छुआ। वहीं भारतीय सिनेमा घरों में भी फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। भारत में पठान के 3रे दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक शाहरुख खान की एक्शन फिल्म ने तकरीबन 34 से 36 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। हालांकि अभी इन आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं अपनी अतरंगी कपड़ों को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहने वाली उर्फी जावेद भी अब अपना दिल शाहरुख खान पर हार बैठी है। पठान देखने के बाद उर्फी बेचैन सी हो गई है। उर्फी कहती है कि पठान में शाहरुख ने मेरा दिल जीत लिया, यहाँ तक कि उसने शाहरुख खान को शादी के लिए प्रपोज तक कर डाला। उर्फी का कहना है कि मुझे शाहरुख अब इतने पसंद आ गए हैं कि मैं तो उसकी दूसरी बीवी तक बनने के लिए तैयार हूँ। वहीं पठान न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी कमाल कर रखी है। अमेरिका की धरती पर सिद्धार्थ आनंद ने अपनी देसी फिल्म से विदेशी ब्लॉकबस्टर अवतार द वे ऑफ वाटर को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। पठान ने भारत में तो झंडे गाड़े ही है, साथ ही अमेरिका में कामयाबी का नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है।